नमस्कार, रेसिपीज हेवन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे बूंदी की लड्डू। ये सभी को बहुत पसंद आते हैं। इसे हम किसी त्यौहार पर बनाते हैं या गणेश चतुर्थी जैसे शुभ अवसर पर बनाते हैं। तो चलिए झटपट इसे बनाना शुरू करते हैं। बूंदी का लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 से 1.5 कप बेसन लेंगे और उसमें 1 कप पानी डालकर इसका बैटर तैयार करेंगे। ध्यान रखें कि इसमें लम्स ना पड़े और बैटर को हम ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करेंगे और ना ज़्यादा पतला करेंगे। बैटर बनकर तैयार है। अब इसमें 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर डालेंगे और इसे मिला लेंगे। कढ़ाई में 1 से 1.5 कप घी डालकर मैंने गरम कर लिया है। ये मैंने झारा लिया है। ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप ग्रेटर का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे और बूंदी को फ्राई करते जाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। इस तरह से हम टैप करके बूंदी को गिराते जाएंगे और ध्यान रखें कि हमें इसे ज़्यादा क्रिस्प नहीं करना है, हल्का सेकना है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी बूंदी भी बना लेंगे। बूंदी बनाते समय हम ध्यान रखेंगे कि बूंदी अगर लंबी बन रही है तो हमारा बैटर गाढ़ा है, अगर बूंदी चपटी बन रही है तो हमारा बैटर पतला है। इसलिए हमें अच्छी तरह से बैटर को फेंटना है और बैटर को सही बनाना है। बूंदी बनकर तैयार है। अब हम चलते हैं चाशनी बनाने के प्रोसेस में। अब कढ़ाई में 1 कप चीनी डालेंगे और 1 कप पानी डालकर उबाल लेंगे। अब इसमें 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर डालकर मिला लेंगे। चाशनी को 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। चाशनी पक गई है। अब हम इसमें बूंदी को डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। बूंदी को इस तरह से मिक्स करके अब हम 1/2 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। अब हम इसे खोलेंगे। बूंदी ने सारी चाशनी को सोख कर लिया है। अब इसमें हम बारीक कटे हुए काजू डालकर मिला लेंगे। अब हम इस तरह से हाथों से गोल गोल बूंदी के लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। हमें बूंदी को अच्छी तरह से बाइंड करते हुए इसके लड्डू बनाने हैं। सारे लड्डू बनकर तैयार हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।